मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रिय, इस समय में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को अंधकार की शक्तियों पर, शैतान की शक्तियों पर विजय दिलाए। आइए मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें और इस दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, इस समय के लिए पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, रक्षा किया हर एक हानि नुकसान से और तकलीफों से, बीमारी से, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया, बचाया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें। उस महिमा में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जो हमारे साथ है, जिसने हम सब से बहुत प्रेम किया और हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाता है। हर पल हर घड़ी वो हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर पिता के दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमारे पास रहकर हमारी रक्षा करते हैं। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर अपने पंखों के तले हमें छिपा लेता है और हानि नुकसान से बचाता है, शैतान के शक्तियों से बचाता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, अपने बिस्तर में जाने से पहले खुदा का आदर करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अंधकार की शक्तियों से घिरे हो, हो सकता है शैतान आपको स्वप्न के द्वारा डराता हो सकता है शैतान आपको कर्ज के द्वारा डराता हो सकता है शैतान विरोध के द्वारा डराता हो सकता है शैतान बीमारियों के द्वारा या दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हावी होती हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उनसे ना डरें। चाहे वो बुरे सपने हो, चाहे डरावने सपने हो, चाहे वो कर्ज को लेकर हो, चाहे वो बीमारी को लेकर हो, चाहे किसी भी लेकर शैतान आप पर हावी करता है या हावी होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के सिर को कुचल दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर उस अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसका सिर कुचला हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इस बात से निश्चिंत भी मत रहिए कि मैं प्रभु का हूं और मुझ पर शैतान अटैक नहीं कर सकता। हो सकता है कर सकता, लेकिन आपको प्रभु में बने रहना है। आपको यीशु मसीह के नाम से उस शैतान का सामना करना है। याकूब की पत्री जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर पिता के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर के अधीन रहो, और जब हम परमेश्वर के अधीन में रहकर यीशु मसीह के नाम से उस शैतान का सामना करेंगे, सचमुच में शैतान भाग जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम से शैतान कांपता है, वो डरता है। जहां पर भी हम जाए, कुछ भी काम करें, यीशु मसीह का नाम वहां पर होना चाहिए। परमेश्वर के अधीन में रहकर, पिता के अधीन में रहकर, अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को, सब प्रकार के कर्ज को, सब प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से डांटना है और बोलना है, भाग जा यीशु के नाम से, भाग जा यीशु के नाम से, दूर हो जा यीशु के नाम से, खत्म हो जा। और जब आप इस बात को घोषणा करते हैं, जय की घोषणा करते हैं, शैतान कांपता हुआ, डरता हुआ भाग जाता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि मैं और आप प्रभु के अधीन में नहीं है, पिता के अधीन में नहीं है, और हम शैतान का सामना यीशु मसीह के नाम से नहीं करते, मेरे प्रियो, वो हम पर हावी हो जाता है, वो हम पर हावी हो जाता है, वो हम पर विजय हो जाता है। लेकिन यदि मैं और आप प्रभु यीशु के नाम से उन अंधकार की शक्तियों का सामना करेंगे, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे शैतान पर विजय दिलाऊंगा, मैं तुझे शैतान पर विजय दूंगा, क्योंकि शैतान पर विजय प्रभु यीशु मसीह ने पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, मौत भी कुछ भी नहीं कर पाए, मौत भी उसे 3 दिन से ज्यादा रख नहीं पाए, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ऐसे खुदा की महिमा करते हैं जो शैतान की शक्तियों को भस्म करता है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त किया है, जिसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान के सिर को कुचल दिया और खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं। यदि आप डरते हैं, घबराते हैं शैतान से, तो आपको आज से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डरावने सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, तभी आप प्रार्थना करें, यीशु के नाम से डांटना शुरू करें, यीशु के नाम से उन्हें नष्ट करना शुरू करें, यीशु के नाम से जय की घोषणा करना शुरू करें, प्रोक्लेम करें, घोषणा करें यीशु के नाम से। और जब मैं और आप यीशु के नाम से जय की घोषणा करते हैं, शैतान भाग जाता है, शैतान दूर हो जाता है। ऐसा लिखा है, परमेश्वर पिता के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वो डर के मारे खत्म हो जाएगा, डर के मारे आपके रास्ते से दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के अधीन रहिए, पिता के चरणों में रहिए, उसके वचन पर बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। विश्वास के साथ जब आप शैतान का सामना करते हैं, सचमुच में शैतान भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें उस शैतान की शक्तियों पर विजय दिला। आइए मेरे प्रियो, इस वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें, उसके वचनों का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, तुम मत डर, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा। मेरे प्रिय, प्रभु के अधीन में हो जाइए, पिता के अधीन में हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, शैतान आपके पास से भाग निकलेगा और प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको शैतान पर विजय देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आज जितने भी उन अंधकार की शक्तियों से डरते हैं, घबराते हैं, या बुरे सपने आते हैं, या डरावने सपने आते हैं, और पिता कर्ज के द्वारा, बीमारी के द्वारा, ओ पिता परमेश्वर, जो भी डराती है शैतान, उनके ऊपर हावी होता, प्रभु यीशु के नाम से ऐसे प्रिय जनों को छुटकारा दे और परमेश्वर पिता उनका सामना करने वाले बने, हमारे प्रिय भाई बहन शैतान का सामना करने वाले बने, यीशु के नाम से शैतान का सामना करने वाले बने और शैतान उनके पास से भाग जाए, अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए, शैतान की शक्ति नष्ट हो जाए, शैतान की योजनाएं फेल हो जाए। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा। यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति मिट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर, जितने भी आज बीमारी के हालत में है, कमजोरी है, या शरीर में कमजोरी है, या पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के शैतान की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं उनके बीच में है, उनके जीवन में है, या उनके शरीर में है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो शैतान भाग जाए। आज मैं यीशु के नाम से उन शैतान की शक्तियों को, शैतान की योजनाओं को मैं फेल करता हूं और यीशु के नाम से उनके ऊपर, यीशु के नाम से जय की घोषणा करता हूं। खमा रशिखा नला रबा रबा नला राथी नला रा रबा बाबा रशिखा नला रबा। सब प्रकार के अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान शैतान की सारी योजनाएं फेल हो जाए, शैतान शैतान की सारी योजनाएं खत्म हो जाए। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदा बना ला रबा ला रदा बना ला रबा ला रदा बना ला रबा ला रदा बा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, तू रहम कर, और प्रभु यीशु के नाम में तू छू ले और चंगा दे, अंधकार की शक्तियों पर विजय दे, बीमारी पर विजय दे प्रभु, शैतान शैतान की सारी योजनाओं पर विजय दे मेरे खुदा। हालेलुया रबा शंदा रबा नला रबा ला रबा। सब प्रकार के अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाए, बीमारी और गरीबी से छुटकारा पाए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए प्रभु। आज पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों को शैतान की शक्तियों पर विजय दे, यीशु के नाम से विजय दे, यीशु के नाम से तू जय दे मेरे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जितने भी आज बेरोजगार है प्रभु, उनको रोजगार दे पिता, उस बेरोजगारी पर विजय दे प्रभु, उन बेरोजगारी पर विजय दे, उस कर्ज पर विजय दे मेरे खुदा, असफलता पर विजय दे प्रभु, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए प्रभु। जो बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें सफलताएं दे आशु, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए प्रभु। तू दया कर
और प्रभु तू सफलताएं दे, ये के नाम से तू सफलताएं दे। प्रभु आप रहम कीजिए प्रभु, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है या एग्जाम्स देने वाले हैं प्रभु, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें तू सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे मेरे प्रभु। तू अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। तू दया कर मेरे पिता, तू दया कर मेरे अब्बा, तू दया कर मेरे स्वामी, तू दया कर और उन्हें सफलताएं दे मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया। खमा बाबा रच कना ला रा 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 बाबा, बाबा रच कना ला रा 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 बाबा, बाबा मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर। हालेलुया। मेरे पिता आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर, उन्हें जॉब दे, अच्छी जॉब दे, ओ गवर्नमेंट जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब दे प्रभु तू दया कर। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथ में सौंपते, मेरे यीशु आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, मेरे राजा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे प्रियों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो स्टूडेंट्स है प्रभु। इस समय में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्स होने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स वो पिता परमेश्वर अगले महीने में होने वाला है प्रभु। तू दया कर, रहम कर, तरस खा और उनका एग्जाम्स होने के लिए और उनका अच्छे पास कर मेरे पिता, फर्स्ट रैंक से पास कर, टॉपर कीजिए मेरे प्रभु, टॉपर कीजिए मेरे खुदा। रबा शंदारा बना ला रबा ला रदा बना ला रबा ला रदा बना ला रबा रेखा ना ला रा 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 बा 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 रश का ना ला रबा। तो आशीष दे उनका अच्छा और सुनहरा और उज्जवल भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने भी जॉब करते प्रभु उनका प्रमोशन होने पाए, जितना भी बिजनेस कर रहे प्रभु दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए। बहुत से भाई बहनों का बिजनेस रुका हुआ है लेकिन आज यीशु के नाम से रात्रि में प्रार्थना करता हूँ प्रभु कल के दिन से उनका बिजनेस पिता परमेश्वर विस्तार में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए प्रभु। तू ने आशीष दे और सब प्रकार की बाधाओं पर, सब प्रकार की रुकावट पर और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों पर तू विजय दे यीशु के नाम से, उनका बिजनेस चलने पाए। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी खेतीबाड़ी करते हैं या जो पिता परमेश्वर जो भी पशुओं हैं, फसलें हैं प्रभु, सबको आशीषित करें प्रभु, उनके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने पाए। हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, सब प्रकार की टेंशन और सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। तेरे दास और दासियों को अभिषेक से भर, सामर्थ से भर और पवित्र आत्मा से भर, सेवा करने के लिए तू मदद कर प्रभु। अंधकार की शक्तियों पर, शैतान की शक्तियों पर और शैतान की योजनाओं पर तू उन्हें विजय दे प्रभु। परिस्थितियों पर ओ पिता परमेश्वर, सब प्रकार की परिस्थितियों पर तेरे दास और दासियों को विजय दे मेरे खुदा। हालेलुया। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी निसंतान है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें संतान दे खुदा। किसी भी हालत में तू संतान दे, किसी भी हालत में तू संतान दे मेरे प्रभु। यीशु के नाम से तू संतान दे, यीशु के नाम से तू संतान दे, यीशु के नाम से तू संतान दे प्रभु। सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए और पिता परमेश्वर जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर घर परिवार में सब प्रकार का जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए, सब प्रकार के लड़ाई झगड़े पाप बुराई अपराध खत्म हो जाए, बच्चों के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, नशा करने वालों के जीवन को बदल दे प्रभु, वो नशा ना करे बल्कि पिता परमेश्वर आपकी राहों पर चलने वाले बने, उन जवानों के उन बच्चों के जीवन को बदल दे जो गलत संगति में है, नशे की दुनिया में है या पिता परमेश्वर मोबाइल की गलत आदतों में है प्रभु, उनको छुटकारा दे और आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी जवान शादी लायक है प्रभु उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे और पिता परमेश्वर उनके लिए जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और उनका जोड़ा तैयार कर मेरे खुदा। और जिन घरों में शादी है प्रभु, जिन बच्चों का, जिन जवानों का शादी है प्रभु, उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कर, आपकी उपस्थित होने के लिए प्रार्थना करता प्रभु। जो घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें नींद मीठी प्रदान कर और परमेश्वर पिता जिनको डरावने या बुरे सपना आते उन अंधकार की पर, शैतान की शक्तियों पर, शैतान की योजनाओं पर उन्हें विजय दे मेरे खुदा। यीशु के नाम से कर्ज पर विजय दे, यीशु के नाम से बीमारी पर विजय दे, दुष्ट आत्माओं पर, शैतान की शक्तियों पर तू विजय देने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद के साथ। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित
और अपने नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के अधीन हो जाइए और यीशु के नाम से जय की घोषणा कीजिए और अंधकार की शक्तियों को मिटा दीजिए, वो आपके पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, प्रार्थनाओं में आगे बढ़े। मेरे प्रिय, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आपके बीच में आए और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाए। सबको जय मसीह की।